غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। मुझे आपको एक अहम बात बतानी है, लेकिन पुरसुकून होकर इस बात को राज रखना होगा। हमारे सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल शहीद हो गए हैं। ये नहीं हो सकता। उन्होंने भाई को जहर दिया है, ये बात बिल्कुल वाज़े हो चुकी है अर्तुरुल भाई, और ये सब उस गद्दार तुर्गुत का क्या दरा है। किसी को भी याद रहे, किसी को भी शिफा खाने में दाखिल मत होने देना। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने हमारे सरदार की जान बख्श दी। कबीले के हुदूद से निकलने तक बेहतर यही होगा कि आप ये लिबास पहने रहें, और हुदूद से निकलने के बाद आप लिबास तब्दील कर लीजिएगा। बाबा जान की तरह लड़ता हूँ ना। बेटी, तुम्हारी तरफ देख रहा है कबीला, ताकत बनना होगा उनकी ताकि वो इन हालात में हिम्मत ना हार जाए, उनका सहारा बनना होगा तुम्हें। तुम पर चाहे गम के पहाड़ी क्यों न टूटे हों, उनके सामने मजबूत बनना होगा। वालिदा, वालिदा उम्मीद से हूं मैं। मुझे आपको एक अहम बात बतानी है, लेकिन पुरसुकून होकर इस बात को राज रखना होगा। अर्तुरुल भाई जिंदा है,
इन्हें नई जिंदगी अता फरमाई है अल्लाह ने। ये क्या कह रहे हैं अर्तु भाई? शुक्र है तेरा मेरे रब, उस खबर ने तो मेरी सांसें ही रोक दी थी अर्तुरुल। मेरी भी उम्र लग जाए आपको। कबीले को वही बताएं जो जरूरी है, लेकिन ये राज हमारे दरमियान ही रहे। आपको बहुत सब्र से काम लेना होगा हलीमा सुल्तान। जाहिर ये करना है कि सरदार शहीद हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि आप जिंदा हैं अर्तुरुल। तरफ जाओ तुम दोनों, जिंदा नहीं बचना चाहिए वो, और तुम दोनों मेरे साथ आओ। तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। आओ मार लो मुझे बुज़दिल सलीबी। अर्तुरुल मर चुका है उसी जहरीले खत से जो तुमने दिया था। खुद को बहुत अकलमंद समझते थे। No!
तुरगुत। चाहने लगी हूं तुम्हें। मार दो मुझे, इल्तिजा है खत्म कर दो। जहन्नम में जाओ तुम मेरी बला से। उड़ाल साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं सीमोन। ठीक है, बुला लो उन्हें अंदर। तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कोई अच्छी खबर लेकर आए हो राल। अर्तुरुल, क्या हुआ उसे? ठीक है, बहुत अच्छा है, बेहतरीन। अरे वो तो तमिश के साथ तिजारत कर रहा होगा। दोनों मिलकर हलाल तिजारत में मसरूफ होंगे। तो आखिरकार आज से कबीले और बाजार का हिसाब हम रखेंगे और जहन्नुम में अर्तुरुल अपनी सजा भुगत रहा होगा। कालिंगा कुछ दिनों तक बंद रहेगी, तुम्हें तो मालूम है कि हमें बहुत दुख है उसकी मौत का। अब मैं वापस जा रहा हूं,
दोनों कबीलों को यह दिखाने कि मुझे कितना सदमा पहुंचा है। हाँ, जब तुम्हारा गम हल्का हो जाए तो नई शराकतदारी का जश्न मनाने जरूर आना। उस्ताद सिमोन, फ्लिप और मारिया अब तक नहीं लौटे। लानत है, मेरा घोड़ा तैयार करो, जाकर उनके पीछे जाएंगे। कोई ऐसा है जो यहां मौजूद नहीं? अर्तुक भाई मौजूद नहीं है खानम। अर्तुक साहब, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरदार अर्तुरुल की मौत की वजह क्या है। क्या वो किसी नतीजे पर पहुंचे हाइमा खानम? खदशा है कि उन्हें जहर दिया गया है। हम अपने सरदार का दीदार करना चाहते हैं हाइवा खानम। आर्तुक साहब का कहना है कि जब तक वो मौत की वजह मालूम नहीं कर लेते, तब तक कोई उनके करीब नहीं जा सकता। खुशामदीद मौसिजीन। बहुत शुक्रिया हलीमा सुल्तान। ताज़ियत कबूल कीजिए। बहुत अफसोस हुआ हमें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुलेमान शाह के दुनिया से रुखसत होने के बाद पूरा कबीला गमगीन था, लेकिन उनके जाने के बाद हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी कब्र से बहुत दूर इन सरसब्ज वादियों में उनके फर्जंद अर्तुरुल साहब हक के रास्ते पर चलते हुए शहीद हो गए। अर्तुरुल साहब ने सुलेमान शाह के लगाए गए शजर को फैलाने का इरादा किया था। इस शजरे अजीम को फैलाना और इसके साए को राहत का सरचश्मा बनाना अब हमारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह। और अब से सुलेमान शाह के फर्जंद अर्तुरुल की जगह उनके भाई दुंदार कबीले के सरदार होंगे। हमारे सरदार जंगजुओं में सबसे बहादुर जंगजू, सबसे अजीम सरदार थे वो। उनकी पूरी जिंदगी जिहाद और इस्लाम की सरबलंदी के लिए वक्फ थी। मैंने उन जैसा कोई नहीं देखा जो मौत से कदम मिलाकर चला हो और उसे शिकस्त दी हो। उनकी तलवार के साए में हमेशा अद्दो इंसाफ के फैसले सादिर हुए। अपनों के लिए उम्मीद, दुश्मनों के लिए खौफ की अलामत थे वो। हमारे सरदार की कोई मिसाल नहीं मिलती, वो एक अजीम जंगजू थे। अब हमें बिल्कुल इसी तरह उनके नक्शे कदम पर चलते रहना है और उनके मकसद को जारी रखना है।
यही नसीहत की है उन्होंने हमेशा। इस सरजमीन पर हमारे बहादुर शहीदों की कब्रें तुर्कों और इस्लाम की मोहरें हैं हमारे लिए, और इस मकसद के हुसूल के लिए शहीद भी होना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे सरदार, इस मुकद्दस राह पर अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। सबसे पहले हम अपने सरदार की मौत का इंतकाम लेंगे दुश्मन से, और एक एक करके हर सलीबी को जहन्नम वासिल कर देंगे इंशाल्लाह। मैं कबीले के सबसे बेहतरीन जंगजू चुनूंगा और दुश्मन पर हमला करूंगा। इबरतनाक होगा उनका अंजाम। आपको किसी पर शक है क्या दुंदार भाई? पहले आर्तुक भाई तहकीक कर लें, देखते हैं हकीकत क्या है। आप ठीक तो हैं भाई? ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा आर्तुक भाई। कल तक आप बेहतर महसूस करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सरदार जानदार का बेटा उराल, जब तक वो कबीले में आता रहेगा हमें बहुत मोहतात रहना होगा। सिमोन की गर्दन उड़ा देने तक मुझे मरा हुआ ही समझे आर्तुक भाई। वो मकतूब जानता हूं, तुर्कुत को इस्तेमाल किया गया। यानी अब तुर्गुत की जान को भी खतरा लाख है भाई। तुर्गुत का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो उनके काबू में नहीं आएगा कभी। तुर्गुत जल्द कबीले आ जाएगा, जब ऐसा हो तो उसे दुंदार के गुस्से से बचाना आपकी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं भाई, जब तक तुर्गुत कबीले वापस आएगा तब तक दुंदार को हकीकत से आगाह कर दूंगा मैं। उराल, इस पूरी साजिश में किरदार है उसका। सबूत मिलने तक ये राज हमारे दरमियान ही रहना चाहिए आर्तुक भाई। ये राज राज ही रहेगा। दुंदार को कहिएगा कि बेहतरीन जंगजू चुन ले, हमें दुश्मन पर भरपूर हमला करना है। वो भी सुलेमान शाह का फर्जंद है, यह फैसला वो पहले ही कर चुका है और आपका इंतकाम लेने के लिए बेताब है। बेहतरीन। इजाजत दीजिए भाई। दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेंगे, उन्हें खबर होने से पहले ही दुश्मनों का सर तन से जुदा कर देंगे। इंशाल्लाह सरदार, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। जैसे ही हम उन पर हमला करेंगे तो तीरंदाज पीछे से हमला करेंगे उन पर और हमले को महफूज बनाएंगे, और वो तुर्कुत इस हमले की इत्तला दे चुका होगा उन्हें, इसलिए वो हिफाजती इकदामात ले चुके होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुर्कुत मुझे हर हाल में जिंदा चाहिए। भाई भाई आप ठीक कह रहे हैं, हम उन लोगों से उनके एक एक जुल्म का हिसाब लेंगे,
भाई मैं खुद को कसूरवार ठहरा सकता हूँ, लेकिन तुरकुत अर्तुरुल भाई के साथ ऐसा कर सकता है ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। दुंदार भाई, भाई भाई तुरकुत सिपाही आ रहा है। ऐसा किया है तो इससे हिसाब लेंगे हम। भाई क्या अर्तुरुल भाई कातिल हो तुम, भाई के कातिल हो तुम। भाई दुंदार भाई, बचाने की कोशिश करेगा वो ये जान लेंगे, वो शख्स भी गद्दार माना जाएगा। मैं अपने भाई की मौत की वजह बना, मेरी वजह से भाई की मौत हुई। दुंदार भाई किसी भी जंगजू का जुर्म साबित होने से पहले आप उसे सजा नहीं दे सकते। हमारे सरदार का कातिल जंगजू नहीं हो सकता, ये गद्दार है। तफ्तीश के बगैर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते भाई। इसे तफ्तीश करके ये मालूम करना है कि भाई की मौत के पीछे कौन है, उसके बाद ही ये शरीयत के मुताबिक सजा का हकदार होगा। मैंने अपने भाई को मार दिया, मेरी वजह से भाई की मौत हो गई। कैदखाने में डाल दो इसे। मैंने क्या कर दिया, अर्तुरुल साहब की मौत से दोनों कबाइल सोगवार हैं, लेकिन मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता। दोनों कबाइल को मुत्तहिद करके आगे बढ़ना होगा हमें। मैं तो संभल जाऊंगी, लेकिन असल गम तो हलीमा सुल्तान के लिए है। वो खुद को कैसे संभालेंगी? Thank you.
सरदार, अर्तुरुल साहब की मौत का सदमा है हमें, लेकिन असलेहान खातून का गम सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप इनका निकाह करवाना चाहते थे उनसे। हम सबको बहुत दुख है, मगर इस रंज और गम के मौके पर हलीमा सुल्तान और हायमा खानम का गम बांटकर उन्हें हौसला देना चाहिए हमें। उनके लिए बहुत अजीम गम है ये, लेकिन शायद हमारे जरिए उनका ये गम कुछ हल्का हो जाए। आलियार, बाबा को एक जरूरी मसले से आगाह करने जा रहा हूं। अच्छा हुआ आप भी आ गए भाई। कैसा मसला? तोख्तमिश साहब और अर्तुरुल साहब की मौत का मामला पुरअसरार है। ऐसा लगता है कत्ल किया गया है दोनों का। ये तुम क्या कह रहे हो आलियार? मेरा शक यकीन में बदल चुका है। बाबा को बताने जा रहा हूं मैं। सही वक्त पर आए हैं आप, चलिए। आर्तुक भाई, आर्तुक भाई, भाई तुर्गुत कबीले में दुमदार भाई इल्जाम तराशी कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से संभाला उन्हें, तुर्गुत कैद खान में। चले जल्दी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तुर्गुत? आखिर कैसे मार सकते हो मेरा भाई, तुम्हारा सरदार, कैसे कर सकते हो? भाई मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूं, मेरी जान लेकर मुझे छुटकारा दे दे। भाई, दुदार भाई, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, तुर्गुत की जिंदगी बख्श दे भाई। अगर आप जान ही लेना चाहते हैं तो इसकी जगह मेरी जान ले ले। बम से छोड़ो मुझे, छोड़ो। भाई, भाई सब्र से काम ले, मुझे कुछ बताना है आपको। अर्तुल भाई की आखिरी ख्वाहिश सुन लीजिए। सराय पर हमला करके फितनों को खत्म करना है हमें, और लश्कर के साथ अहलत की पहाड़ी पर रवाना होना है। वहां जाकर हर बात वाजे हो जाएगी। तुर्गुत भी हमारे साथ जाएगा। इस गद्दार को अपने साथ जिहाद पर आखिर क्यों लेके जाएंगे? हर सवाल का जवाब आपको वहां मिल जाएगा दुंदार भाई। मैं जब से यहां आया हूं इसी खोज में लगा हूं। तोख्तमिश साहब की मौत किसी तरह भी आम मौत नहीं थी। अल्लाह माफ करे मुझे।
मैंने उनकी जबान काटकर आर्तुक भाई को दी थी। उन्होंने जब तफ्तीश की तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि तोक तमिश साहब की मौत जहर देने से हुई है। बाबा साफ जाहिर है कि तोक तमिश साहब को जिस शख्स ने जहर दिया है अर्तुरुल भाई की मौत के पीछे भी वही है। मगर कौन ऐसा कर सकता है? आखिर कौन हो सकता है वो? किसकी इतनी जुर्रत हो सकती है? बाबा मैं ये नहीं जानता, लेकिन जल्द हमने कोई कदम नहीं उठाया तो मुझे डर है उन लोगों के हाथ बहुत जल्द हमारी गर्दनों तक भी पहुंच जाएंगे। बाबा तुक्तमिश, मेरे प्यारे भाई, वफादार, मेरी बात सुनने वाले अब्दुल गेली, वादी वादी घूमकर हमने कितने ही ऊंचे पहाड़ सर किए, मगर हर जगह दुनिया का मामला एक ही जैसा मिला। इंसान की मुनाफिकत, धोखादही और बददियानती उसकी खसलत बन चुकी है। बहादुर मर्दों को भी बहादुरी से मरने नहीं दिया जाता। क्या करूं मैं अब्दुल गेली? क्या मौत के डर से हक की राह से पीछे हट जाना चाहिए मुझे? क्या मैं इस राह पर चलना सिर्फ इसलिए छोड़ दूं कि मुझे चैन का एक लम्हा मिल जाए और कबीला सुकून का सांस ले ले? जो रास्ता हमने चुना है अब्दुल गेली, उसमें मौत आसान नहीं है। जब तक मंजिल को पा नहीं लेते, इस रास्ते को छोड़ना मुमकिन नहीं। का गम समझ सकती हूं मैं, लेकिन आप सरदार की सोचा है। खुद को संभालिए हलीमा सुल्तान। इस गम में हम बराबर के शरीक हैं हाइमा खानम। शुक्रिया चोलपान खातून। इजाजत दीजिए। गुर्द किन्नौर कुंतोक्तों की जुदाई के बाद अर्तुरुल का गम भी शामिल हो गया। बेटा तुम इस गम से कभी मत गुजारना मुझे।
वालिदा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। एक शख्स, वो एक शख्स जिसे हमने नई जिंदगी बख्श कर उसे दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा किया था, वो हमसे बच निकला। भाई, इस लश्कर की सरबराही खुद अर्तुरुल भाई अंजाम दे रहे हैं। अर्तुरुल साहब फौत हो चुके। काय कबीला धुंधार जैसे ना तजर्बेकार सरदार के हवाले बिल्कुल नहीं होना चाहिए।